तो आने वाले 6 महीने में आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि आपको एक साथ 2 अलग अलग पार्टनर को संभालना है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, जिनके वजह से एकनाथ शिंदे ने पिछली सरकार छोड़कर आपके साथ वो आने के लिए तैयार हुए, आज वो दोनों साथ में आए हुए हैं। आपको इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में ले आनी है, आपके पास भले वो पोर्टफोलियो नहीं है एकनाथ शिंदे के साथ में, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से देखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ हम हर चीज के लिए हम देख रहे हैं कि 2-2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 1 चीफ मिनिस्टर, हर कोई चाहता है कि हमारा हमारा रुतबा बना रहे, हमारी हमें इसका जो काम का नाम है वो हमें मिलता रहे। ऐसे सूरत में आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस ये महाराष्ट्र का विकास है। और मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर में बताना चाहता हूं, टेस्टिमनी क्या है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था, FDI में महाराष्ट्र नंबर 1 था, और इतना नंबर 1 था कि एक साल 49% और एक साल 42% देश में जितनी इन्वेस्टमेंट आई उसमें 49% महाराष्ट्र में, एक साल 42% आई। उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने, उनका एक साल पूरा हुआ, इन्वेस्टमेंट में हम 3rd नंबर पे चले गए, गुजरात नंबर 1 चला गया। उसके अगले साल हम 4th नंबर पे चले गए, कर्नाटक नंबर 1 पे चला गया। वापिस हम लोग आए, हमारे आने के एक साल बाद वापिस सर्वे आया, महाराष्ट्र नंबर 1 बना। अभी दूसरा साल शुरू है, 1st क्वार्टर के रिजल्ट आए, वापिस महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा फोकस राजनीति नहीं है। देखिए, लोगों को राजनीति परोसी जाती है, लोग राजनीति देखते हैं, हमारा तो फोकस है विकास है, डेवलपमेंट है। हमने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट दिया है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज पिछले 13-14-15 महीनों में हम लोगों ने महाराष्ट्र में कोविड के बाद हमारे ध्यान में आया कि अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना है, हम 14 न्यू मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने इरिगेशन के करीब करीब 8 लाख हेक्टेयर के का इरिगेशन हो सके, इतने प्रोजेक्ट्स को हमने मान्यता दी है, उसका काम हमने शुरू किया है। महाराष्ट्र में आज करीब करीब हम लोग 20,000 करोड़ के रोड्स तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है इसको हमने गति दी है। हम महाराष्ट्र को इंफ्रास्ट्रक्चरली एक बहुत एडवांस स्टेज में ले जाना चाहते हैं। आज वाढ़वण जैसा पोर्ट, कि जो पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, आज देश का सबसे बड़ा पोर्ट जो है ये JNPT पोर्ट है, JNPT से भी 3 गुना बड़ा पोर्ट ये वाढ़वण में हम बना रहे हैं, जहां 20 मीटर डीप ड्राफ्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा वेसल हम लोग वहां पर ला पाएंगे। जो हमारे बंद पड़े हुए काम थे, कोस्टल रोड का काम था, ट्रांस हार्बर लिंक का काम था, न्यू मुंबई एयरपोर्ट का काम था, बुलेट ट्रेन का काम था, ये सारा इतनी तेजी से हमने शुरू कर दिया कि इस साल के अंत से हम उसकी डिलीवरी करना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे, तो ये अकेले की सरकार में ज्यादा हो पाएगा कि यो? नहीं, ऐसा अकेले की सरकार में या दोकेले की सरकार में नहीं होता है, जिसको करना है वो कहीं पर भी करता है। अभी देखिए, हमारी सरकार का अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मुख्यमंत्री हमारे नेता है, मुख्यमंत्री को सारे अधिकार है, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी हमको अधिकार दिया है कि स्टेट के हित के लिए आपको जो मीटिंग लगती है आप करिए, जो निर्णय लगता है करिए, अल्टीमेटली लेजिटिमेट निर्णय के लिए फाइल तो उनके पास जाती है, तो पूरा 100% फ्रीडम हमारे पास। तो मुख्यमंत्री और DCM 2 उनमें कोई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री, DCM 1, DCM 2 और पूरा मंत्रिमंडल साथ में।